दोस्तों फाइनली शेर आ गया, WWE का तूफान आ गया जिसका हम सबको इंतजार था, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आ गया। लेकिन ये क्या शकल देखो सस्ते वाले ट्राइबल चीफ की, हैरान हो गया ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को देखकर। मार साड़े के घुसंड, लगा दे स्पीयर। लेकिन एक सेकेंड, ये कौन है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो कोने में बुड्ढों की तरह पड़ा हुआ है? दोस्तों रोमन रेंस को देखकर ये भी हैरान हो गया। लेकिन दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी, रेसलमेनिया 40 के बाद पहली बार कोडी रोड्स के मैच को देखने के लिए लोग एक्साइटेड थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से। दोस्तों आप मानोगे नहीं, YouTube पर, Instagram पर जितनी भी WWE की समर स्लैम से रिलेटेड वीडियोस थी, उनके कमेंट बॉक्स में हर कोई रोमन रेंस के रिटर्न की बात कर रहा था। तो दोस्तों ये होती है रोमन रेंस की पावर, मतलब समर स्लैम से ज्यादा लोग रोमन रेंस के रिटर्न के लिए एक्साइटेड थे। You are right, bro. दोस्तों आज की समर स्लैम में रोमन रेंस का एंट्रेंस थीम भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। स्टार्टिंग में बैंड टाइप के बजने की आवाज आती है, दुम 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 ऐसे करके, और फिर रोमन रेंस का एंट्रेंस थीम बजता है जिसमें जोर जोर से धमक आ रही थी बैंड टाइप की। लग रहा था कि वाकई में कोई सहनसा आ रहा है, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आ रहा है। दोस्तों रोमन रेंस के रिटर्न से कोडी रोड्स को भी फायदा हो गया, क्योंकि रोमन रेंस की वजह से कोडी रोड्स ने सोलो सिकुआ को हराकर अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। दोस्तों इस मैच में हमें सोलो सिकुआ की पूरी ब्लड लाइन देखने को मिलती है। हालांकि कोडी रोड्स की मदद करने के लिए केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन भी आते हैं, लेकिन जब जैकब फाटू कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं तब कोडी रोड्स के लिए मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कोडी रोड्स भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कोडी रोड्स का जीतना भी इतना आसान नहीं था। और जैसे ही रोमन रेंस का एंट्रेंस थीम बजता है तो लोग खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। रोमन रेंस शेर की तरह छाती चौड़ी करके आते हैं और सोलो सिकुआ को एक जोरदार सुपरमैन पंच और स्पीयर लगा देते हैं, और तब जाकर कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगाकर सोलो सिकुआ को पिन करके इस मैच को जीत लेता है। तो दोस्तों रोमन रेंस का रिटर्न देखकर तो मजा आ गया, लेकिन आपको रोमन रेंस का रिटर्न कैसा लगा वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।